हेलो गाइस, आई एम तमन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ विंटर्स का बेस्ट पराठा, जो कि होता है गोभी का पराठा। मैंने इसके पहले आप लोगों के साथ में पालक का पराठा भी शेयर किया है, कैबेज का यानी कि पत्ता गोभी का पराठा भी शेयर किया है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ गोभी का, जो कि फूल गोभी होता है, कलीफ्लावर, इसका पराठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और आपका पराठा बिल्कुल भी अब फटेगा नहीं, स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में शेयर करने जा रही हूँ पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अमेजिंग भी बनेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। तो ये कुछ इन्ग्रीडियंट्स मैंने लिए हैं, इन्हें भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम है, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने कर लिया सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमें लेना है कोई भी एक इस टाइप का बर्तन, उसमें हमें ऐड करना है आटा। तो सबसे पहले हमें लगाना है आटे का डो। तो ये ले लिया है मैंने आटा, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, सफ़ेद नमक, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है सफ़ेद नमक। और ये आप देख सकते हैं, ये लिया है मैंने अजवाइन। तो अजवाइन को आपको हैंड से थोड़ा सा क्रश करके डालना है। तो हैंड से क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन डाल देनी है आपको, और वाटर ऐड करके इसमें थोड़ा सा वाटर डालना है, और फिर इसका हमें डो रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा वाटर डालते हुए ही हमें डो को रेडी करना है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, ऑयल से हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इन सभी को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा वाटर डालते हुए हमें इसका स्मूथ डो रेडी करना है। तो फर्स्ट टिप हमारी गाइस आपके लिए ये होने वाली है कि आप जब भी कभी पूरी या पराठे का डो लगा रहे हैं तो वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम फ्लफी होना चाहिए, तभी हमारे पूरी और पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अदरवाइज आपने हार्ड किया आटा तो पूरी पराठे फिर उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं आएंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट टिप आपके लिए, आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी ही कुछ टिप्स दूंगी। आटे को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें डो लगाना है, बहुत अच्छे से इसको पीट पीट के डो लगाना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा आटा कुछ इस टाइप का है, बट अभी हमें इसे और स्मूथ करना है। उसके लिए क्या करना है, एक आपको टिप देती हूँ कि इस पर आप बस थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल डालिए, और डाल के ऑयल को इस टाइप से आप इसे छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट तक हम लोग रेडी कर लेते हैं अपनी गोभी की स्टफिंग। अभी हमें लेना है एक ग्रेटर, इसकी हेल्प से हमें अपने कलीफ्लावर को ग्रेट करना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इस साइड से तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना, ये साइड से बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज़ हमारी जो कि कलीफ्लावर है वो बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आएंगे, तो वो स्टफिंग में फूले समझ में आएंगे और स्टफिंग से बाहर आ सकते हैं। इसलिए ये पार्ट हमें बिल्कुल नहीं लेना है, और हमें ये पार्ट भी नहीं लेना। इस साइड से करेंगे तो बहुत बारीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बारीक होंगे तो वो वाटर उसमें से रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमें वो साइड नहीं लेना, हमें मीडियम चाहिए यानी कि ये साइड। तो इस साइड से हमें इन्हें ग्रेट करना है, तो चलिए ग्रेट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइप से भी करते हुए ग्रेट कर सकते हैं, और चाहें तो इन्हें अलग अलग इस टाइप से अलग कर लें इनकी कली को, और फिर ग्रेट करें। तो चलिए पहले ग्रेट करने से पहले इनको अलग कर लेते हैं, इन कलियों को। तो इस टाइप से मैंने इन्हें सबको अलग कर लिया, अब चलिए ग्रेट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्हें बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया, और जो इसमें पार्ट आ रहे थे मोटे वाले वो सब मैंने, ये देखिए, हटा दिया है। तो इन्हें हटाना इसलिए ज़रूरी है कि मोटी सी जो भी पार्ट आपकी, जब स्टफिंग आप करेंगे और आ जाएगा तो पराठे बस वहीं से हटने लगेंगे।
तो ये जो भी मोटे से पार्ट आते हैं उन्हें आपको हटा देना है। तो ये हमारी सेकंड टिप थी आप लोगों के लिए। अब इसे देख लेते हैं, अगर आपके इस गोभी में थोड़ा भी वाटर है तो आप किसी भी मसलन क्लॉथ पे इन्हें डाल के और अच्छे से दबा दबा के इनका वाटर निकाल दीजिए। बिकॉज़ इसमें वाटर होगा तो आपके पराठे फटेंगे, तो वाटर जब आप वॉश करें तो उसे अच्छे से ड्राई होने के बाद ही आप ग्रेट करें, और फिर आप ग्रेट करने के बाद ही इसमें जो भी आपको मिक्स करना है वो सारी चीज़ें आप मिक्स करें, तो इससे हमारे पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो गाइस अभी मैंने ली है ये जिंजर यानी कि अदरक का छोटा सा टुकड़ा। तो अदरक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोभी के पराठे में आप अदरक डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छे से इन्हेंस होगा। तो आप अदरक ज़रूर डालें। अब कैसे डालना है, ग्रेट करके डालना है, तो आइए इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो बस ये अदरक को हमें इसी में ग्रेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अदरक को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब चलिए कुछ इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर दी जाए। तो उसमें क्या है, तो ये लिया है मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, ये ली है मैंने 3 ग्रीन चिली जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और ये लिया है मैंने 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए तो बेस्ट होता है, तो अजवाइन ज़रूर आप ऐड करें। और ये लिया है मैंने आमचूर, ये आप देख सकते हैं ये लिया है मैंने आमचूर, ड्राई मैंगो पाउडर, आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो आपको परेशान ना हो, आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, वो नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर दें। तो ये लिया है मैंने 1 टीस्पून फुल आमचूर, और ये ली है मैंने हींग, आप देख सकते हैं ये है हींग। हींग डाइजेशन के लिए भी बेस्ट होती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। मैं अपनी ज़्यादातर सब्जियों में या जो भी मैं पराठे मैंने बनाए हैं आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं उसमें मैं हींग ज़रूर ऐड करती हूँ, तो इसमें मैं हींग भी ऐड कर रही हूँ। तो इसमें इन सभी चीज़ों को ऐड कर देते हैं, अपनी अजवाइन को, ज़ीरे को, गरम मसाले को, जो ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया इसे भी ऐड कर देती हूँ, आमचूर को, इन सभी चीज़ों को हमें ऐड कर देना है। और अभी इसमें एक चीज़ और हमें ऐड करना है जो कि विंटर्स की जान है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा आती है, आप समझ गए होंगे, जी हाँ गाइस, वो है कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती। इससे हमारे पराठों में टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है और देखने में तो पूछिए ही मत कितना अच्छा लगता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक क्यों नहीं अभी तक ऐड किया, तो गाइस एक टिप देना चाहूँगी कि नमक आप पहले से बिल्कुल ऐड नहीं करें, बस जिस टाइम आप बनाने जा रहे हो पराठे तभी इसमें नमक ऐड करें, अदरवाइज गोभी पानी छोड़ देगा। तो पहले से नमक डाल के बिल्कुल आप नहीं रखें, ये टिप्स मेरी ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अभी मैं नमक डाल देती हूँ। तो गाइस नमक को आपको माइंड में ये रखते हुए ऐड करना है कि आटा जो हमने डो बनाया था उसमें भी नमक लिया है, तो कहीं नमक ज़्यादा नहीं हो जाए, कम हो जाए चलेगा बट ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगेन बताना चाहूँगी कि आपकी गोभी में थोड़ा सा भी मॉइस्चर है, थोड़ा सा भी वाटर है तो आप उसे ज़रूर से निकाल दें, एक मसलन क्लॉथ में डाल के दबा दबा के अच्छे से निकाल दें, या अगर आपकी स्टफिंग में आ गया है फिर से हल्का सा वाटर, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी, आप इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन चाहे तो कर दें और चाहे तो आप थोड़ा सा आटा भी ऐड कर सकते हैं, तो जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो आटा आपका सब एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं ऐड कर रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ये भी ऐड करें, और अभी मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, धनिया पाउडर से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर देना है, स्पून से नहीं अच्छे से मिक्सिंग हो रही तो आप कंफर्टेबल हैंड से हो तो हैंड से भी कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने आटे की तरफ, देख लेते हैं कि आटा हमारा कितना स्मूथ है। तो आटा हमारा अभी थोड़ा सा और पिटाई मांग रहा है, तो इसकी थोड़ी सी पिटाई और कर ली जाए।
तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारा आटा बन के रेडी हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा आप देखिए कितना स्मूथ, कितना फ्लफी फ्लफी जैसा है। तो बस चलिए अब इसमें से हमें इस डो से थोड़े से बॉल्स बना लेने हैं। तो आप पराठे के लिए ऐसा लीजिए कि ना बहुत मोटे पराठे अच्छे लगते हैं ना ही बहुत पतले, तो उस हिसाब से आपको लेना है कि मीडियम बने। तो इस टाइप से हमें बॉल्स बना लेने हैं। ये मैंने बॉल्स बना लिया। अभी इस पर थोड़ा सा डस्ट आउट करना है, ऐसे बस थोड़ा सा प्रेशर देना है दोनों साइड से। और अभी इसको आपको ये दोनों अपने थंब को ऐसे प्रेशर देना है अंदर को, और ये किनारों को ऐसे दबाते हुए इस टाइप से हमें करना है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में और ढाबे में मिलते हैं पराठे ना, ये बिल्कुल उसी अंदाज में बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का कुछ बन जाएगा। अभी हमें इनके किनारों को इस टाइप से और भी ज़्यादा प्रेशर दे के दबा देना है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से ये बन के रेडी हो गई। अभी इसमें से हमें 1 स्पून अपनी स्टफिंग लेना है और इसमें फिल कर देना है, और स्टफिंग को अपने हैंड से थोड़ा सा प्रेशर दे के अंदर को दबा देना है। इस टाइप से आप चाहें तो जितनी चाहें उतनी स्टफिंग इसमें फिल कर सकते हैं। किनारे हैं, किनारों को हमें इस टाइप से ऐसे पकड़ना है और इस तरह से एक पास सबको करना है, जैसे कि मोमोज बनते हैं ना, बस सेम उसी तरह से। और इस टाइप से हमें यहाँ पे दबा देना है। अभी आप चाहें तो इस पार्ट को निकाल दें और चाहें तो आप इसी में दबा दें, तो मैं इसे थोड़ा सा निकाल देती हूँ। अभी इसको इस टाइप से करके बस आप देख सकते हैं, अभी हमें बहुत हल्का सा प्रेशर देना है बस इस टाइप से दोनों साइड से। अभी आपको लेना है एक रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड, और उस पर थोड़ा सा आटे को डस्ट करना है। तो आटा मैंने डस्ट आउट कर लिया है, और अभी इस पर इसे रखना है और बहुत ही केयरफुली हमें प्रेशर देते हुए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, बहुत हल्के हैंड से प्रेशर देते हुए इसे बेल लेना है। तो हमें बीच में प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, हमें प्रेशर इन किनारों पे देना है। तो बस इस टाइप से करते हुए अभी आपको कोई भी तवा ले लीजिए, कोई भी पैन ले लीजिए, तवा ले लीजिए और उसे हीट कर लीजिए। पैन को आपको बहुत अच्छे से हीट कर लेना है और फिर अपने पराठे को इस टाइप से उस पर डाल देना है। तो पराठे को अभी आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं पराठा हमारा यहाँ से फ्लफी हो रहा है, फूलने लगा है। तो जब ये थोड़ा फूलने लगेगा तो उसके बाद ही हमें इसे टर्न करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पराठे पर इस टाइप से स्पॉट्स आ गए हैं। तो जब ये स्पॉट्स आ जाएंगे इस टाइप से, तभी हमें इस पर घी या तेल लगाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें ऑयल में नहीं बना के इसे घी में बनाएं। ये गर्मा गर्म पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, चाहे आप बटर के साथ में इसे खाएं, चाहे घी के साथ। विंटर से स्टार्ट है, घी बिल्कुल मेल्ट नहीं होता। आप चाहें तो पहले घी को अच्छे से मेल्ट कर लें, उसके बाद में आप लगाएं। बट गाइस विंटर से हैं तो आप उसे मेल्ट करेंगे पर थोड़ी देर में वो वापस से फिर से वो फ्रीज हो जाएगा और इसी टाइप से हार्ड हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप चाहे मेल्ट करके करें और चाहे इसी टाइप से लगा लें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस टाइप से कर लें। तो दोनों साइड से हमें खूब अच्छे से घी लगा लेना है। अभी आपको किनारों पे ऐसे प्रेशर देते हुए इन्हें अच्छे से दबा दबा के क्रिस्पी करना है। अगर आपके पराठे गाइस बीच से फट जाते हैं, उसकी स्टफिंग बाहर भी आने लगती है, तो टेंशन मत लीजिए। जिस जगह से पराठे आपके फट जाएंगे और स्टफिंग बाहर आ जाएगी, उस जगह से जब आप घी लगाएंगे तो पराठा आपका बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो अगर पराठे आपके फट भी जाते हैं तो आप टेंशन नहीं लें। बट जिस टाइप से मैंने आप लोगों को बताया है स्टेप बाय स्टेप, आप उन्हें फॉलो करिए। जिस तरह से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बनाया है, उस टाइप से आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं फटेगी।
गाइस आप देख सकते हैं हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। अब अगर मैं इसे दोनों साइड से आपको दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा टेस्टी एकदम क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है। हमारा पराठा साइड से ये फूलना स्टार्ट हो गया है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, बट आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पराठा हमारा ये फूल रहा है। तो ये बेस्ट ट्रिक है कि पराठा हमारा परफेक्ट बना है, तो बस इसे हमें टर्न कर देना है और स्पॉट्स के साइड पे हमें इस पर एप्लीकेशन करना है घी का। बस इसे हमें इसके किनारों को प्रेशर देते हुए बहुत अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, और जैसे वन साइड से होता है हमें फौरन ही इसे टर्न कर देना है और इधर के भी किनारों को दबाते हुए इसे बहुत अच्छे से क्रिस्पी करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पराठे बनके रेडी हो गए हैं। अब इसे हम लोग सर्व करते हैं ये हरी चटनी के साथ जो कि बहुत टेस्टी बनी है। गाइस ये बनाया है मैंने आंवले का खट्टा मीठा अचार जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस टाइप से इसे सर्व करिए। अगर आपको दही पसंद है तो आप दही के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये आंवले का खट्टे मीठे अचार की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है, ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही अमेजिंग है, तो आप देख सकते हैं। तो गाइज मेरे ये गोभी के पराठों की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ओके मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।